जीवन अमारो महर्षि गुरु प्राण की प्यारो विद्या धाम छे जीवन अमारो। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखिए अब वापस से वही पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। प्रोटोकॉल डेटा को दो भागों में बांटा। अगर उनकी मेरुदंड मोटर कोड उच्च वाले भाग में प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे यूरोकोडेक्स, अगर शीर्ष वाले भाग में है तो क्या बोलेंगे सिफेलोकोडेक्स। क्लियर? उच्च मेरुदंडी एंड शीर्ष मेरुदंडी उसी को वापस रिपीट किया है। आदि मेरुदंडी को दो भागों में बांटा उच्च मेरुदंडी सिफेलोकोडेक्स एंड शीर्ष मेरुदंडी। आगे जाते हैं कंटिन्यू यूरोकोडेक्स। यूरोकोडेक्स के बारे में जैसी बेसिक इन्फॉर्मेशन कम से कम आपको याद होनी चाहिए। तो ये थोड़ा कोडेटा में बेसिकली जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं इसी से लेकर मेंबर तक। ये जो है यूरोकोडेक और ये इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं लेकिन उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कम से कम आपको याद होनी चाहिए। इनको इतना डिटेल से आपको नहीं पढ़ना है लेकिन इतना जरूर पढ़ना है कि कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है और जो एग्जाम्पल्स है वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक चलिए तो स्टार्ट करते हैं फाइलम यूरोकोडेटा। ठीक है फाइलम यूरोकोडेटा में देखिए दीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल। एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल यूरोकोडेट्स। इससे पहले हमने पढ़ा हेमिकोडेट वो भी एक्सक्लूसिवली मैराइन थे। उससे पहले हमने पढ़ा इकाइनोडर्स वो भी एक्सक्लूसिवली मैराइन थे जबकि उससे पहले वाले सबके सब जो है कोई भी एक्सक्लूसिवली मैराइन नहीं था। तो ये पॉइंट आपको लर्न रखने हैं कि इकाइनोडर्म से लेकर हेमिकोडेट यूरोकोडेट ये सब एक्सक्लूसिवली मैराइन आ रहे हैं। ये चार है मैंने पहले भी कहा था आपको कि एक्सक्लूसिवली मैराइन कौन कौन से आपको याद रखना है। इसी तरह से जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो नेडेरियंस होते हैं कोस्टल आते हैं उनके बाद जो ट्रिनोफोरा आते हैं कंतरगाली वो भी क्या होते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन। तो ये केवल ऐसे याद पढ़ने के लिए नहीं आपको सोचना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिवली मैराइन में कौन 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 से आए थे। जितने भी 15 फाइलम है उनमें से आपको याद रखना है कि एक्सक्लूसिवली मैराइन चार ही है। इसके बाद सिफेलोकोडेट आएगा वो भी क्या होगा शीर्ष मेरुदंड भी कैसे होंगे एक्सक्लूसिवली मैराइन। यूरोकोडेट्स भी कैसे हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन। इससे पहले दो पड़े वो भी क्या है एक्सक्लूसिवली मैराइन। चल उसके बाद दे आर मोस्टली सेसाइल एक जगह फिक्स होते हैं ज़्यादातर ये फिक्स ही होते हैं एक जगह पड़े रहते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में और पेट ऑफ ब्रीडिंग एनिमल भी आते हैं। पेट ऑफ ब्रीडिंग क्यों होते हैं क्योंकि ये जो है पानी जो होता है उसके साथ साथ सूक्ष्म जीव और इन सबको फिल्टर करके अंदर फिर बाद में अंदर रहते हैं। तो इनके अंदर फेट फीडिंग मैकेनिज्म पाई जाती है। फीड करते हैं खाना खाएंगे लेकिन किसके साथ फीडिंग करेंगे यानी पानी के साथ साथ सूक्ष्म जीव वगैरह इनको ये क्या कर देते हैं फिल्टर कर देते हैं ताकि वो अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए। ठीक है ये फेट फीडिंग एनिमल्स कहलाते हैं। बॉडी जनरली इनक्लोज्ड इन अ लेदरी टेस्ट। इनके ऊपर एक कवच होता है लेदरी टेस्ट मतलब बहुत कठोर कवच होता है जिसे ट्यूनिका बोलते हैं। ठीक है और वो किसका बना होता है बेटा ट्यूनिसिन नाम के बायो मॉलिक्यूल का बना होता है। जो ट्यूनिसिन है ये हमने बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ा था जैविक अणुओं में ये क्या होता है ये पॉलीसेक्राइड है। जैसे सेलुलोज होते हैं ये सेलुलोज लाइक सेलुलोज के समान ही आल्सो कॉल्ड एलिमेंट सेलुलोज। सेलुलोज के समान ही दिखता है लेकिन ये सेलुलोज है। तो ट्यूनिसिन का बना हुआ बाहर एक लेदरी पेस्ट या आवरण इनमें पाया जाता है कठोर आवरण जिसके कारण इनका दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। याद रखना है यूरोकोडेट्स को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर ट्यूनिसिन का बना हुआ लेदरी कोट हार्ड कवरिंग पाई जाती है इसलिए इन्हें ट्यूनिकेटा कहा जाता है। यूरोकोडेट का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा क्यों है क्योंकि इनके ऊपर ट्यूनिसिन का बना हुआ कठोर आवरण पाया जाता है इसीलिए इन्हें ट्यूनिकेटा कहा जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मीट याद रखिए जो बाहर का आवरण है इनका
मृत्युनिशी का बना हुआ है। मृत्युनिशी क्या है अगर बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जाएंगे तो वहां से यहाँ से मिक्स करके पूछा जा सकता है। ट्यूनिशी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, पॉलीसेकेराइड है। जैसे कि सेलुलोज है, सेलुलोज के समान ही दिखता है, सेलुलोज प्लांट्स में होता है, ये एनिमल में है, इसीलिए इसको एनिमल सेलुलोज भी कहते हैं। समझ गए? सेलुलोज तो क्या है, प्लांट के अंदर होता है, प्लांट की क्या बनाता है, कोष दीवार बनाता है, और ये जो है ये इसके ऊपर कठोर आवरण बना रहा है, इसलिए इसको एनिमल है ये, तो एनिमल सेलुलोज भी इसको कह सकते हैं। चलिए ठीक है, ये पॉइंट हो गया एनिमल प्रोटीन्स का। अगला पॉइंट चलते हैं, उसके बाद ट्यूनिकेटा के लिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जब हम बात कर रहे हैं कि ये कोडेटा फाइलम में आता है, हमने कहा कि यूरोकोडेट्स प्रोटोकोडेटा यदि कोडेटा के अंदर आते हैं तो कोडेटा के चारों लक्षण होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, देखते हैं देखते हैं है कि नहीं, देखिएगा बहुत ध्यान से। जैसा कि इनके नाम में लिखा है यूरोकोडेट पुच्छ मेरुदंडी, क्यों बोलते हैं पुच्छ मेरुदंडी, क्योंकि इनमें मेरुदंड केवल केवल इनकी टेल में ही पाई जाती है, और इनके भी टेल जो होती है वो एडल्ट में तो होती नहीं है, लार्वा में होती है। तो नोटोकोड अकर्स ओनली इन द टेल ऑफ द लार्वा एंड डिसअपीयर इन द एडल्ट, मतलब पुप के अंदर ये नरकोड होगी ही नहीं, केवल लार्वा में होगी, और लार्वा में भी क्या होता होगी, पुच्छ में होगी, इसीलिए तो इनका नाम क्या रखा गया, पुच्छ मेरुदंडी। पुच्छ मेरुदंडी क्यों कहते हैं याद रखिएगा, क्योंकि इनके लार्वा की पुच्छ में ही केवल मेरुदंड पाई जाती है, बाकी पुख्त में भी नहीं होगी और कहीं पर भी नहीं पाई जाएगी, केवल पुच्छ में पाई जाती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि इनके लाइफ साइकिल के किसी भी प्रावस्था में अगर नोटोकोड प्रेजेंट है तो हम उसे कोडेटा फाइलम में रख सकते हैं, इसीलिए यूरोकोडेट्स को कोडेटा में रखा गया, याद रखिए। दूसरा पॉइंट, पहला बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया नरकोड, दूसरा क्या था, होलो डोर्सल होलो नरकोड, तो ये नरकोड भी होगी कि नहीं होगी हमें देख लेते हैं। नरकोड इज प्रेजेंट इन द लार्वा, अब ये भी डिमिंग नहीं है, बट इट इज रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल डोर्सल गैंग्लियन इन द एडल्ट, उक्त के अंदर ये नरकोड नहीं होगी। एडल्ट के अंदर तो बल्कि और ज्यादा होना चाहिए, तो लार्वा तो मासिक होना चाहिए, इनमें तो लार्वा क्या है, एडवांस कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है इनके अंदर। तो याद रखो इनके अंदर जो लार्वा होता है, लार्वा के अंदर तो नरकोड प्रेजेंट है, लेकिन ये नरकोड एडल्ट के अंदर किस में डेवलप हो गई, एक डोर्सल गैंग्लियन में डेवलप हो गई, फ्रेश सतह पर ही होती है नरकोड, ये डोर्सल एक फ्रेश सतह पर ही है, लेकिन वो गैंग्लियन है, चेताकोषों का ग्रुप बन गया, बस एक गैंग्लियन के रूप में बदल गया, यानी ज्यादा डेवलप नहीं है। तो एडल्ट जो है उसमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप्ड है या अनुपस्थित है, ठीक है। तो ये जो इस तरह की जो बात होती है, इस तरह का इवोल्यूशन होता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इनका, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ये रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हो गया, उल्टा हो गया, उल्टे तरीके से विकास हो गया। लार्वा जो भी छोटा है उसमें कम कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, लोअर कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, एडल्ट में हायर कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, तो डोल्टा हो गया, इसीलिए कहा जाता है। और ये पूछा जा चुका है इंग्लिश में कि रिट्रोग्रेसिव एक का एक एग्जांपल बताइए, तो रिट्रोग्रेसिव का एग्जांपल है ये पुच्छ मेरुदंडी। पुच्छ मेरुदंडी के अंदर जो नोटोकोड है केवल लार्वा के टेल में है, एडल्ट में उपस्थित है, जबकि एडल्ट में तो ये और ज्यादा अच्छे से होनी चाहिए थी, जबकि नहीं है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, याद रखिएगा ये पॉइंट, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी बोल सकते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना, लेकिन ये मेटामॉर्फोसिस कैसा है, ये मेटामॉर्फोसिस रिट्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव नहीं, प्रोग्रेसिव होता तो क्या होता, और ज्यादा हायर कैरेक्टरिस्टिक एडवांस कैरेक्टरिस्टिक एडल्ट में होती है। नंबर थ्री, हेडिंग थ्रेड्स बहुत सारी होती है, परसिस्ट इन द एडल्ट, एडल्ट में भी होगी, लार्वा में भी होगी, और ओपन इनटू एन एक्टोडर्म लाइंड कैविटी द एट्रियम, गिल्स थ्रेड्स बाहर की तरफ खुलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज आर
there are no bells. यहाँ पर कोई झालर नहीं होती है, झालर काट पाई जाती है, झालर नहीं पाया जाता है। तो ये तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मैंने पहले कहा था कि अगर ये लाइफ की किसी भी प्रावस्था में है तो उन्हें गॉडेस भी लगते हैं, तो कुछ नए गंदी के अंदर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक किसी न किसी अवस्था में जरूर है। ये दो जरूर आपको याद रखनी चाहिए, तीसरा आपको अगर जरा याद रखो तो भी ठीक है, कुछ नए गंदी के रेस्पेक्ट में नहीं भी रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है हेटरोग्रेसी मेटामॉर्फोसिस के एग्जाम्पल है, आपको याद होना चाहिए। ये इवोल्यूशन के चैप्टर में भी पूछे जा सकते हैं, उत्क्रांति के आधार पर भी इम्पोर्टेंट है। यूरोपोलिस में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, तो हाँ पाई जाती है। क्यों बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस? क्योंकि इनका जो लार्वा होता है उसके अंदर ऑडिट्स के कैरेक्टरिस्टिक सारे हैं, लेकिन एडल्ट के अंदर केवल कलिजन डिस्ट्रिक्स एक ही लक्षण है, बाकी कोई भी ऑडिट का लक्षण इनके एडल्ट में नहीं है। जबकि होना चाहो तीन कैरेक्टरिस्टिक कम से कम होना चाहिए था, लार्वा में तो है लेकिन एडल्ट में नहीं। देखो लार्वा में तो नोडो कोड भी है, लार्वा में नर्व कोड भी है, और लार्वा में कैरिंजियल स्लिट्स भी होती है, लेकिन एडल्ट में केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, कैरिंजियल स्लिट्स ही है केवल, न नोडो कोड है न नर्व कोड है। नर्व कोड भी है तो किसी में नोडो भी गेंगली होती है बॉडी में, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद देखिए इनके लार्वा वही पॉइंट जो मैंने आपको समझाया उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके लार्वा को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा। यूरोपोलिट्स के लार्वा को भी टेडपोल कहा जाता है और एम्फीबियंस के लार्वा को भी टेडपोल कहा जाता है, दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है। तो यहाँ पर यूरोपोलिट कुछ मेलबर्नी के लार्वा का नाम है टेडपोल लार्वा और इसके अंदर इट्स चेंजेस इनटू डीजेनरेट एडल्ट। ये लार्वा डिंग जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा? पुख्त में कन्वर्ट होगा, लेकिन पुख्त कैसा होगा? हासिल डीजेनरेटेड, क्योंकि उसमें नर्व कोड और नोटो कोड दोनों जो लार्वा में थी वो एब्सेंट हो जाएगी या डीजेनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? मैंने अभी बताया आपको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, देखिए लिखा हुआ है This transformation is called retrogressive metamorphosis. लार्वा का चेंजेस हो जाना डीजेनरेटिव एडल्ट में, this process, this transformation is called retrogressive metamorphosis. Clear? वही चीज को वापस से नोट समझाया है, चलिए ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब यूरोपोलिट्स के लगभग सभी पॉइंट ये बेसिक पॉइंट थे, ये आपको याद होने चाहिए। कुछ भी नहीं था, कुछ मैंने जल्दी के अंदर हमने क्या क्या बातें करी एक बार वो समझ लो ध्यान से। हमने स्टार्टिंग से कहा कि कुछ मेरोधंडी को कुछ मेरोधंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लार्वा डिंब अवस्था के अंदर क्या पाई जाती है? टेल के अंदर मेरोधंड पाई जाती है, टेल में मेरोधंड पाई जाती है, नर्व कोड पाई जाती है, इसलिए इनको कुछ मेरोधंडी कहा। मेरोधंड केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, इसलिए कुछ मेरोधंडी कहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है नर्व कोड मतलब मेरुदंड, नंबर टू करोड़ रज्जु, ठीक है, और तीसरा पेरिंजियल डिस्लिट्स, ठीक है, कंडगणी झलक पार्ट, ये तीनों बेसिक कैरेक्टरिस्टिक किसमें मौजूद है? लार्वा में। एडल्ट में केवल एक पेरिंजियल डिस्लिट्स मौजूद है, तो एडल्ट क्या हो गया? हासिल हो गया। लार्वा क्या है? एडवांस है। इस तरह के डेवलपमेंट को क्या कहा? रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। याद रखना ये पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है। रेट्रोग्रेसिव एग्जांपल कुछ मिनट में ये कि नहीं है, यस है, क्यों है वो भी हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जांपल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक तो कैरेक्टरिस्टिक और में लिखा देता हूँ, याद रखिएगा। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ मेलबंडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बंद नहीं है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है। दूसरी बात, ये जब हम बात कर रहे हैं ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हो गया? ये लक्षण जो हो गया ये भी एक खासियत लक्षण है, जबकि होना क्या चाहिए था? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, ओके। ये पॉइंट भी आपको इस
इसमें लिंक दिया है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। बाकी के डिस्ट्रिक्ट सारे याद रखें, एक ये भी याद रखिए। चलिए नाउ द नेक्स्ट अगला पॉइंट, पहले एग्जांपल्स जो थे वो सारे आप लोग याद रखिएगा। एग्जांपल्स हर्डमारियम, डोरियोलम, पायरोसोमा, ठीक है। ये सभी जो नाम है ये नाम आपको याद होने चाहिए। ओइकोप्लूरा, साल्पा, एसिडिया, इनमें से हर्डमानिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर्डमानिया में ही डायग्राम दिया हुआ है। हर्डमानिया को बोलते हैं सी स्क्वाड, दरियाई स्प्रिंग्स यानी फवारा। जिस तरीके से पानी के फवारे होते हैं इसमें से भी ऐसे पानी निकलता है फवारा के रूप में, तो फवारा को बोलते हैं यहाँ पर स्क्वाड, सी स्क्वाड। दरियाई फवारे जो है वो हर्डमानिया का जनरल नाम है, क्योंकि ये फवारे के समान उसको नजर आता है, ठीक है। एक ये याद रखना है। दूसरा जो इसमें है तो बायोलिमिनेसेंस दिखाने वाला पायरोसोमा, ये जैव प्रदीप्ति दिखाते हैं, चमकते हैं। देखिए आप जैव प्रदीप्ति या हम कहें बायोलिमिनेसेंस, ये दिखाते हैं, चमकते हैं ये रात में, ठीक है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको, वो कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर जैव प्रदीप्ति पाई जाती है, बायोलिमिनेसेंस पाया जाता है, वो है पायरोसोमा। ये दोनों कम से कम आपको याद होना चाहिए। तीसरा है डोरियोलम। ये तीन एग्जाम्पल बस आपको याद रखने, ये आपको याद रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीन में से ही आपको ज़्यादातर पूछा जाता है और ये एक से आगे में दिए हुए भी है। तीनों एग्जाम्पल कम से कम आपको याद होना चाहिए, उनको भी याद कर सकते तो अच्छी बात है। यहाँ पर मैं और क्लियरली लिख देता हूँ, ये इसका नाम है ओइकोप्लूरा, ये साल्पा, ये एसिडिया, ये तीन नाम, और ये भी याद रखना है डोरियोलम, पायोसोमा, हर्डमानिया, तीन कम से कम याद रखना चाहिए। ये तीन भी अगर याद कर सको तो अच्छी बात है। इनके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बायोलिमिनेसेंस, बायोलिमिनेसेंस मतलब जैव प्रदीप्ति दिखाते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि ये चमकीले होते हैं, बायोलिमिनेसेंस दिखाते हैं, ठीक है। ये फवारे के समान होते हैं, तो दरियाई फवारा सी स्क्वाड इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। और ये इसका जनरल नाम है हर्डमानिया, पायरोसोमा, डोरियोलम, तीनों याद होनी चाहिए। चल आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं सिफलोकोडेक्स। ये लास्ट आपको सिफलोकोडेक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये प्रोटोकोडेटा का लास्ट फाइलम शीर्ष मेरुदंडी। अब ये भी समझो बेटा कि शीर्ष मेरुदंडी और पुच्छ मेरुदंडी में क्या फर्क है। पुच्छ मेरुदंडी को तो पुच्छ मेरुदंडी क्यों बोला, क्योंकि उनकी जो पूंछ होती है केवल उनमें ही नर्व कोड होती है। सिफलोकोडेक्स में क्या होगा, जो नर्व कोड है यानी जो मेरुदंड है वो पश्चभाग से लेकर उनके शीर्ष तक यानी कि कंप्लीट बॉडी में शीर्ष से लेकर पुच्छ से लेकर शीर्ष तक नोटोकोड कंप्लीट है, शीर्ष तक कंप्लीट है, इसीलिए सिफलोकोडेक्स बोला, शीर्ष मेरुदंडी बोला। शीर्ष मेरुदंडी को शीर्ष मेरुदंडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें मेरुदंड या नर्व कोड परसिस्ट होती है, एक्सटेंड होती है वृत्ति को स्नाउट, वृत्ति को स्नाउट का मतलब शीर्ष तक फैली हुई होती है, यानी ये पुच्छ से शुरू होगी शीर्ष तक फैली रहेगी, ठीक है। पोस्टीरियर से लेकर एंटीरियर पार्ट तक कंटिन्यूली मेरुदंड पाई जाती है, इसलिए इनका नाम सिफलोकोडेक्स है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम कुछ मेरुदंड पढ़ रहे थे तो कुछ मेरुदंड में हमने कहा था कि उनकी जो डिंब प्रावस्था होती है उसी के अंदर सारे कोडेट्स यानी मेरुदंड के लक्षण होते हैं, यानी उन्होंने चारों कैरेक्टरिस्टिक थे उनके डिंब में, लार्वा में, कौन कौन से, नर्व कोड, डोर्सल कोलोना, नर्व कोड, ठीक है, नोटो कोड, और इसके अलावा फेरिंजियल गिल स्लिट्स, कंठ नली, झालर का। जब हम बात कर रहे थे चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की, तो उनमें से चारों के चारों बेसिक कैरेक्टरिस्टिक उनके लार्वा में थे। एडल्ट में चार कैरेक्टरिस्टिक नहीं, केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक था, और वो कौन सा था, केवल फेरिंजियल गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना,
जो पेरिटियल डेंसिटी सी केवल उसमें पाई जाती थी उसके एडल्ट में। हमने कहा था कि वो क्या हो गया, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का एग्जांपल हो गया, कि वो प्रोग्रेसिव नहीं होकर रिट्रोग्रेसिव हो गया। मीडियम से एडल्ट बनता है, एडल्ट में सारे कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, लेकिन एडल्ट में तो उल्टा हो गया, मतलब अपोजिट हो गया। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, सारे कैरेक्टरिस्टिक एडल्ट में होने चाहिए थे, लार्ज फॉर्म में कम होने चाहिए थे, लेकिन उल्टा हो गया। तो इस तरह का इवोल्यूशन तो क्या बोला, रिट्रोग्रेसिव। यहाँ पर एक अच्छी बात आती है कि यहाँ पर शीर्ष मेरुदंड में जो चारों के चारों बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमने जो स्टडी में पढ़े कॉर्डेट्स के, नर्व कॉर्ड, ठीक है, डोर्सल लोलो, नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, और लैरिंजियल बेसिस का प्रेजेंट होना, और पोस्ट एनाटल का प्रेजेंट होना, ये चारों चारों कैरेक्टरिस्टिक सिफेलोकॉर्डेट्स में जीवन पर्यंत, चाहे लार्वल कंडीशन हो चाहे पुप्त कंडीशन हो, सभी में पाए जाते हैं। फिर भी इनको हम आदि मेरुदंडी ही कहते हैं। क्यों आदि मेरुदंडी में शीर्ष मेरुदंडी को रखा गया, क्योंकि इनके ऊपर क्या नहीं था, क्रेनियम नहीं था। याद रखिएगा, अगर क्रेनियम होता तो सिफेलोकॉर्डेट को भी हम किस में ले जाते, वर्टिब्रेक्स में ले जाते। तो याद रखिए, इनमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर, ये भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है, इससे पहले कुछ मेरुदंडी भी एक्सक्लूसिवली मेराइन थे। उससे पहले जब हमने पढ़ा इकाइनोडा सूर्यत्वची, वो भी एक्सक्लूसिवली मेराइन थे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात। और उससे भी पहले जब हम बात किए थे इकाइनोडा सूर्यत्वची से भी पहले मोलस्कल्स, उनमें भी क्या था, एक्सक्लूसिवली मेराइन थे। तो ये 15 में से जो ये 4-5 है वही एक्सक्लूसिवली मेराइन है, बाकी सबके अलग अलग हैबिटेट है। हैबिटेट में से किसी का नहीं पूछा जाता, लेकिन इनके केस में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये केवल और केवल और केवल दरिया में पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन, ठीक है। तो ये चारों जो फाइलम है याद रखिएगा, जितनी एक्सक्लूसिवली मेराइन लिखा हुआ है वो याद रखनी पड़ेगी आपको। अब देखिए चारों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, नर्व कॉर्ड मेरुदंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी जीवन पर्यंत नर्व कॉर्ड इनमें पाई जाती है, पहली बात। नंबर 2, नोटोकॉर्ड डोर्सल होलो, नर्व कॉर्ड, ठीक है, ये भी इनमें पाई जाती है। और ये कहां से कहां तक पाई जाती है, ये पोस्टीरियर पार्ट से लेकर शीर्ष भाग तक पाई जाती है, टिप ऑफ द स्नाउ, स्नाउ का मतलब होता है सू, तो सू मतलब अग्रभाग, तो हेड वाला जो भाग है उसी से सू निकलेगी। ये देखिए यहाँ पर ये जो भाग है इसको स्नाउट बोलते हैं। तो ये पीछे से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूसली ये जो नोटोकॉर्ड है वो पाई जाती है, इसीलिए वो शीर्ष मेरुदंडी का। और नर्व कॉर्ड, अब ये स्पेलिंग गलत क्या है ना, नर्व कॉर्ड जो होता है उसे हम गुजराती में क्या बोलते हैं, चेतारज्जु, और नोटोकॉर्ड को क्या बोलते हैं, मेरुदंड। तो मेरुदंड पोस्टीरियर पार्ट से लेकर अग्रभाग तक पाई जाती है, तो शीर्ष मेरुदंडी। नर्व कॉर्ड यानी चेतारज्जु, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड यानी पृष्ठ बाजू में पाई जाने वाली पोलाड युक्त चेतारज्जु, ये मेरुदंड नोटोकॉर्ड, अंग्रेजी में कैसे लग रहे हैं नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड, बट ये ऐसे नहीं है, मेरुदंड होती है सॉलिड और रोड शेप्ड, जबकि नर्व कॉर्ड होती है होलो ओली और डोर्सल सरफेस पर होगी कंटिन्यूसली, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड जीवन पर पाई जाती है, मेरुदंड भी पाई जाती है, फेरिंजियल डिस्ट्रिक्ट्स यानी कंटिन्यूअली ज्यादा पार्ट वो भी परसिस्टिंग रहेगा, एडल्ट में भी होगी लार्वा में भी होगी। तो देखो ये तीनों बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है कॉर्डेट्स के हमने पढ़े थे वो सिफेलोकॉर्डेट्स में पाए जा रहे हैं, चाहे लार्वा हो चाहे एडल्ट हो। तो यहाँ से इन्हीं से हम कहते हैं कि यही फर्स्ट ऐसे एनिमल है जिनको हम ट्रू कॉर्डेट्स कह सकते हैं, कुछ मेरुदंड को हम ट्रू कॉर्डेट्स नहीं कह सकते, या इन्हीं को बोलते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ कॉर्डेट्स, यानी कि ये कॉर्डेट्स जो है यानी मेरुदंडी जो है उनके ब्लू प्रिंट है, कि वाकई में मेरुदंडी की स्टार्टिंग जो है वो शीर्ष मेरुदंडी से मानी जा सकती है। हालांकि यूरोकॉर्डेट्स जो है उनके लार्वा में भी मेरुदंडी के लक्षण है, यानी कंप्लीटली एडल्ट में तो नहीं है ना, तो
इसीलिए फर्स्ट ट्रू पोर्ट्रेट सिंपल पोर्ट्रेट बोला जाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ पोर्ट्रेट्स भी सिंपल पोर्ट्रेट बोला जाता है। ओके, इनके एग्जांपल्स, एग्जांपल में एक ही एग्जांपल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, बैंकियोस्टोमा जिसे एंथियोक्सिस भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है लैंसलेट। लैंसलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अग और पश दोनों भाग जो है लेंस के समान होते हैं, लेंस के समान दिखते हैं, इसीलिए इसको लेंसलेट भी कहा जाता है। तो इसका सामान्य नाम लेंसलेट, बायोलॉजिकल नेम ब्रैंकियोस्टोमा या एंथियोक्सिस। ये एक ही एग्जांपल इसमें आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। लेंसलेट के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम इससे आगे वाला फाइलम जब डिस्कस करेंगे वहाँ पर भी ये आएगा, लेकिन वहाँ पर लार्वा की जो स्ट्रक्चर होगी वो इसके समान होगी, वो बात की बात है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में भी। इस तरह से सिंपल कोडेट्स में यही लक्षण आपको याद रखने हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक और ऐड कर लीजिएगा जो इन्होंने नहीं दिया है यहाँ पर, जैसा हमने कुछ मिनट में लिखवाया था लास्ट में कि उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप परिवहन तंत्र खुला प्रकार का, यानी ब्लड जो होता है वो पोर्टरों में भरा होता है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो बंद प्रकार का आ गया, एडवांस कैरेक्टरिस्टिक होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज कैसा होगा? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद प्रकार का इनमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, याद रखिएगा ये भी कोई इंपॉर्टेंट है। चलिए इस तरीके से सिंपल कोडेट में और ज़्यादा नहीं, यही कर लोगे यही काफ़ी है, इनसे बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी, लेकिन कम से कम इतना जरूर करिएगा। ओके, तो आज हम उसी के आगे नेक्स्ट आउट ऑफ क्लास अब स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी दो बात मैं आपसे करूँगा कि देखिए बेटा, हमने बात किया था कि प्रोटो कोडेटा और यू कोडेटा, जो यू कोडेटा है और जो प्रोटो कोडेटा है, इन दोनों को अलग अलग हमने डिवाइड किया। तो इसमें समझिएगा, प्रोटो कोडेटा के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, प्रोटो कोडेटा में दो थे, एक पुच्छ मेरुदंडी और एक शीर्ष मेरुदंडी, दोनों हमने पढ़े। अब हम यू कोडेटा के अंदर हनुविहीन पुनरुद्धारित जो दो भाग हैं उनमें से जो हनुविहीन भाग है उनके बारे में डिस्कस करेंगे पहले, और हनुविहीन में केवल एक आता है साइक्लोस्टोमेटा। ओके, और उसके बाद हनुधारी जो है, हनुधारी के अंदर फिर हम आगे पढ़ेंगे पेसेज ऑफ टेट्रापोड्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यू कोडेटा के अंदर हनुविहीन, या हम बात करें जो क्लास हमने बात किया था एग्नेथा का जो ग्रुप है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा का हम बोलते हैं चुस्मुखा। ठीक है, तो ये चुस्मुखा जो क्लास है इसके अंदर क्या क्या बात आती है, क्या इसलिए उसको चुस्मुखा बोलते हैं, वो तो सारी बातें हम यहाँ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लोस्टोमेटा के अंदर पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, पहले तो ये याद रखिए इन द जनरल नेम क्या है साइक्लोस्टोमेटा का, चुस्मुखा। ओके, अब हम इसके एक एक करके सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। देखिए साइक्लोस्टोमेटा चुस्मुखा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट, The class Cyclostomata includes leptae and hagfish. Cyclostomata class, चुस्मुखा जो क्लास है, इस क्लास के अंदर दो एग्जाम्पल्स इंक्लूड है, leptae and hagfish, and they are most primitive vertebrates. यानी कि ये जो मेरुदंडी है उनमें से सबसे पुराने मेरुदंडी जो है वो इसी क्लास में आते हैं, और ये आज भी जिंदा है, leptae and hagfish. leptae इसको हम पेट्रामायोजन भी बोलते हैं, पेट्रामायोजन भी बोलते हैं। तो पेट्रामायोजन जो क्लास है, पेट्रामायोजन जो इसका एग्जांपल है उसके भी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एक इसके बारे में हेड पेज जिसका दूसरा नाम है मिक्सिंग, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि चुस्मुखा का नाम चुस्मुखा क्यों, साइक्लोस्टोमेटा को साइक्लोस्टोमेटा क्यों बोलते हैं। देखिए पहली बात कि इनका माउथ है, इनके माउथ जो है
हमने कहा कि अणु भी नहीं है, यानी जड़वायु में नहीं होते हैं। तो इनका जो माउथ होता है वो शक्रनायक होता है, उसके अंदर जो टंग होती है उसमें छोटे छोटे क्या लगे रहते हैं, शकर्स लगे रहते हैं, कंटक टाइप से लगे हैं। इसकी वजह से ये जो होते हैं ये अपने होस्ट के ऊपर बाहर चिपक जाते हैं और उसका खून जो है उसको चूसते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर दांत तो होते नहीं है, दांत नहीं होते लेकिन ये चिपक सकते हैं क्योंकि इनमें शकर्स होते हैं। तो ये जनरली एक्टोपैरासाइट होते हैं, क्या होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं जो किसी भी एडिबल पर जनरली के लिए कहाँ रहते हैं, समुद्र में। तो समुद्र में रहेंगे तो जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनके ऊपर चिपक कर ये उनका खून चूसते हैं। इवन अगर कोई प्राणी कोई इंसान पानी में गया तो ये उसके ऊपर भी चिपक कर उनका खून चूसने लगते हैं, क्योंकि ये बाह्य परजीवी है, बाहर जाएंगे और अपने माउथ जो भी माउथ कैसे शकल आई सर्कुलर माउथ है, गोलाकार माउथ है, गोलाकार मतलब साइक्लो और स्टोरेटल जो है मतलब माउथ, तो गोलाकार माउथ होता है जो कि इसके ऊपर शकर्स पाए जाते हैं जिसके कारण ये क्या करते हैं उनमें से ब्लड शक्ति का कार्य करते हैं। इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा, साइक्लो स्टोरेटा, गोलाकार शकर युक्त चूषकों युक्त इनमें माउथ पाया जाता है जिसके द्वारा ये अपने होस्ट के ऊपर एक्टोपैरासाइट के रूप में खून चूसने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको साइक्लो स्टोमेटा कहा है। स्टोमेटा मतलब माउथ मुख, और साइक्लो मींस सर्कुलर, और सर्कुलर माउथ के ऊपर भी क्या होंगे सकर्स जो क्या काम करेंगे, खून चूसने का काम करेंगे, इसलिए इनको बोल दिया चूस मुख। ओके, एक तो ये बोल दिया रखिए साइक्लो स्टोमेटा क्यों बोलते हैं चूस मुखा को, चूस मुखा क्यों कहा। और दूसरी बात, ये सबसे पुराने वर्टिब्रेट्स हैं जो फ्रेशवाटर से जितने हैं उनमें सबसे पुराने अगर माने जाते हैं तो यही है, यानी लिविंग फॉसिल्स भी हमें कह सकते हैं। ये दो एग्जांपल से भी नाम दिए हैं जो कि जनरली एक्वेस्ट्रेटा में माने जाते हैं, डेल्टा एंड फिश, याद रखिएगा। ओके, अब चलते हैं एंड हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। लेप्रे लिव्स इन सी, मतलब जनरली ये क्या होते हैं दरिया में पाए जाते हैं, मेरा समुद्र में पाए जाते हैं, दरियाई पानी में पाए जाते हैं, बट असेंड टू रिवर्स फॉर स्पॉनिंग, लेकिन ये नदियों में मीठे पानी में जाएंगे फॉर स्पॉनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉनिंग, स्पॉनिंग का मतलब होता है ना गेमिट रिलीज करना, यानी जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा तो मेल और फीमेल दोनों जो साइक्लोस्टोमेट्स होंगे ये समुद्र से नदियों की तरफ मूव करते हैं और नदी में जाकर वहाँ पर ये अपने गेमेट्स रिलीज करेंगे, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, और फिर उनसे जब फर्टिलाइजेशन होगा बाह्य बनन होगा तो लार्वा बनेंगे, और जो लार्वा इनमें बनते हैं याद रखिएगा जो लार्वा इनमें बनते हैं वो लार्वा वापस से जिस जगह से इनके पेरेंट्स आए वहां पर पहुंच जाते हैं। आपको क्या याद रखना है कि गैमेट जब ये रिलीज कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा, पहली बात तो ये समुद्र में रहते हैं लेकिन जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, जब गैमेट रिलीज करना होता है तो ये रिवर्स में जाते हैं, ठंड मीठे पानी में चले जाएंगे, नदियों में जाकर वहाँ पर गैमेट रिलीज करते हैं, और ये नदी में जाएंगे तो इनका मरना निश्चित है। देखो कैसे इनमें जो समुद्र में रहते हैं जिंदा रहते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी में जाना पड़ेगा, कौन से पानी में, मीठे पानी में, नदियों में, वहाँ जाते ही गैमेट रिलीज किए और ये मर जाएंगे, गैमेट रिलीज करते ही ये मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ का पानी कैसा है, मीठा पानी, समुद्र का पानी कैसा है, खारा पानी है, तो वहाँ पर सोल्ट जाता है, इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग ये वहाँ पर जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन मीठे पानी में जाने पर इनको पता है कि हम मरेंगे, फिर भी जाते हैं और जाकर वहाँ जैसे गैमेट रिलीज किया मर जाएंगे, और वो गैमेट फ्यूज होकर जो इनके बच्चे बनेंगे, जो इनके लार्वा बनेंगे, वो लार्वा खुद ब खुद अब पेरेंट्स तो मर चुके, अब वो लार्वा जो है वो लार्वा वापस से जिस जगह से इनके पेरेंट्स आए थे वो उन रिवर से वापस समुद्र में उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से इनके पेरेंट्स आए थे। अब आप एक चीज सोचो कि इनके बच्चों को कैसे पता चला कि हमारे पेरेंट्स वहाँ से आए थे,
जबकि हम तो मर चुके हैं, तो पेरेंट्स को पता कि उन पेरेंट्स की जगह पर पता है इन लार्वा को या इनके बच्चों को कैसे लगता है। ये याद रखिए, ये जेनेटिकली इम्प्रिंटेड होता है, यानी कि अनुवांशिक रूप से जब वो बन के आते हैं तो उनको पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना है। याद रखना एक पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, बस जन्म दिया, गैमेट रिलीज किए और मर गए, और जो बच्चे हैं वो भी खुद को दुआ पहुँच गए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। इस तरह का जो लोकेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाना, एनाड्रोमस माइग्रेशन इसे बोला जाता है। एनाड्रोमस माइग्रेशन मतलब है समुद्र से यानी खारे पानी से बगे भाई में जा। नंबर टू, और फीडिंग, ये पॉइंट क्लियर, समुद्र में रहते हैं, गेमेट रिलीज करने के लिए यानी स्पॉनिंग के लिए रिवर में जाते हैं, वहाँ जाकर गेमेट रिलीज करते हैं, मर जाते हैं, मरने के बाद जब वो गेमेट रिलीज हुए उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, लार्वे बनते हैं, लार्वे मोटाइल होते हैं, वो चलते हुए वापस वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से उनके पेरेंट्स आए थे। नंबर टू, फॉर फीडिंग लैम्प्रे अटैच टू ए लार्जर फिश बाय सर्कुलर माउथ, जैसा कि हमने कहा कि इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर प्लस सर्टोरियल, सर्टोरियल का मतलब होता है चूषक युक्त, मतलब ये क्या करेगा, शकिंग करेगा। तो बड़ी मछलियों पर ये अटैच होकर उनके खून को चूसने का काम करेंगे उनके सर्टोरियल माउथ के द्वारा, ठीक है। दीज मेक पंक्चर्स इन द बॉडी ऑफ होस्ट विथ टीथ एंड सक द ब्लड एंड पीसेज ऑफ फ्लैश, यानी समझिए ये क्या करेंगे, जिस होस्ट या जिस मछली के खून चूस रहे हैं उस पर जाकर सबसे पहले ये अपने जो दांत होगी, बेसिकली वो दांत नहीं वो इनके टंग के ऊपर हॉर्नी स्पाइन है, उनको ये शक करेंगे, उनको ये क्या करेंगे उसके ऊपर पंचर कर देंगे और उनको चूसेंगे, या फिर फ्लैश उनका जो मांस होगा उसमें से उनको चूसेंगे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सेंगिवोरस, खून चूसने वाले जितने भी प्राणी होते हैं उनके लिए टर्म यूज में आता है सेंगिवोरस। ये नीचे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, साइक्लोस्ट्रोम्स जनरली क्या होते हैं, सेंगिवोरस क्यों होते हैं, क्योंकि ये जनरली ब्लड सक करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, सर्टोरियल माउथ के द्वारा करते हैं, और सर्टोरियल माउथ जो है उसी की वजह से इनका नाम क्या है, चूसमुखा है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर।